गुड मॉर्निंग गाइज, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम स्कूल के बच्चों के साथ जाने वाले हैं लेबर डे सेलिब्रेट करने। इसीलिए आज के व्लॉग में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा खास हैं। एक कि हम जा रहे हैं लेबर डे सेलिब्रेट करने, पास ही एक ब्रिकलिन है, भट्ठा जिसे बोलते हैं, ईंटों का भट्ठा, वहाँ पर जो लेबर होगी उनके साथ लेबर डे सेलिब्रेट करने। और सबसे दूसरी खासियत कि जा रहे हैं हमारे स्कूल के बच्चे, और ये देखिए बसेज हो गई हैं रेडी और हम बस कुछ ही मिनटों में निकलने ही वाले हैं। बाय बाय बाय। ब्रिकलिन पे कहाँ पहुंचे हैं? क्या कहते हैं इसको हिंदी में? ईंटों का भट्ठा। क्या बोलते हैं? क्या बनता है यहाँ पर? तरबूज। ईंटे बनते हैं, तरबूज बनते हैं। तो क्यों बोलते हैं इसको हम ईंटों का भट्ठा? क्योंकि यहाँ पर पकाई जाती हैं कच्ची से पक्की ईंटें जिससे हमारा घर बनता है। और इनको कौन बनाता है? मजदूर। कौन बनाता है? लेबर्स। तो लेबर्स को हम मिलने यहाँ पर आए हैं क्योंकि कल है लेबर्स डे और कल है आपकी छुट्टी। इससे हमें दो फायदे हैं, एक तो हम लेबर्स को थैंक यू बोल सकते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, और दूसरा कि हम जो है देख सकते हैं कि ईंटें कैसे बनती हैं, है ना? तो आज हम ये सब देखेंगे और एक बार हाथ हिला के चैंपियंस की तरह हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? अगर आप सब वो चीजें नहीं देखना चाहते हैं तो वापिस चलते हैं, बट अगर आप जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, यू वांट टू लर्न समथिंग, यू वांट टू मीट सम अदर पीपल, देन तो ये चल पड़ी हैं लाइंस। बच्चा ना कोई पीछे रह जाए बस। सामने जो है ये कोयला है और ये कोयले को क्रश करने की मशीन है। इस मशीन में कोयले को क्रश करके छोटे टुकड़े कर देते हैं, फिर बोरों में भर के वहां लेके जाते हैं जहां आग लगाई जाती है।
ठीक है। पीछे आपने देखा कि मिट्टी से ईंटें बना रहे हैं, कच्ची ईंटें बना रहे थे ना, तो यहाँ पर ईंटों को पकाने के लिए बड़ा सा भट्टा है, ये देख रहे हो, यहाँ ईंटें पकाई जाती हैं इस भट्टे में। अब उसको पकाने के लिए क्या चाहिए, आग चाहिए ना, आग किससे जलेगी, तो ये जो आगे पहाड़ देख रहे हो ये कोयले हैं, कोयला, और ये मशीन जो है इसमें कोयले को क्रश करते हैं और बोरों में भर के वहां लेके जाके आग लगाते हैं, और इन ईंटों को जो आपने देखा है जो कच्ची बन रही थी इनको पकाया जाता है। क्या किया जाता है, तो सर ये ईंट कितनी देर में तैयार हो जाती है, 24 घंटे में 50,000 ईंटें तैयार हो जाती हैं। तो शुरू में क्या, एक तो मिट्टी ली इन्होंने, हाँ जी, उसको वहाँ गूंदा, हाँ जी, उसका सांचे में डाल के ईंटें, हाँ, बनाई, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद रेड़े में लोडिंग करके अंदर लगाई जाती है, अंदर लगा, इनको पहले सुखाया भी जाता है, सुखाया जाता है, कितनी देर सुखाते हैं, सूखता है ये 3 दिन में सूख जाती है। अच्छा, 3 दिन सूखने के लिए रखते हैं, फिर रेड़ों में भर जाके अंदर लगाते हैं, अंदर भी ऐसे चट्टे से लगाए होते हैं, दिखाएंगे, हाँ अभी अंदर वाले जो चट्टे जो लगे हुए वो भी दिखाएंगे, लेकिन आराम से, ठीक है। तो ये देखिए धूप में या ईंटों को पकाते हुए, ये देखिए कैसे ईंटें लगी हुई हैं, फोर्थ क्लास। तो ये कच्ची ईंटें हैं, हाँ ये कच्ची ईंटें हैं, और ये पक चुकी हैं, ये पक चुकी हैं, हाँ। तो इनको कहाँ अंदर डालते हैं क्या, कहीं इसी में डालते हैं, नमस्कार जी, नमस्कार, इसी में डालते हैं, नहीं ऐसे, आग कहाँ लगाते हैं, आग तो उधर लगती है, आग तो आग अंदर आती है, यहाँ इसमें कोयला डालता है, ये जो भट्टी है इसमें से धुआं जाता है, अच्छा धुआं, उससे कनेक्शन है नाली या चिमनी के साथ कॉन्टेक्ट है, अच्छा ये जनरेटर चल रहा है जी, नहीं जैसे हमने यहाँ चट्टे लगा दिए, इनको सेक यही मिल जाएगा, सेक यही मिलेगा, यही मिलेगा, ऐसे एक आग घूम के आ रही है उधर से, और वो इनके रास्ते से आएगा सेक, इस रास्ते से, अच्छा इस रास्ते से धुएं से पकती हैं ये, नहीं नहीं नहीं, हाँ कोयले से, आप बताइए धुआं निकलेगा ना, नहीं जो हीट है, हीट इसमें लगेगी, बीच में जो छेद है वहां से आ रही है, अच्छा अच्छा, इनके अंदर हीट रखी, कोयला रखा जाएगा, हाँ इनके अंदर कोयला निकलता है ऊपर से, कोयला डाल के उनमें आग लगाई जाएगी, वो आपको दिखा देंगे, ओके ओके, बच्चों को तो नहीं ले जाएंगे, हाँ नहीं नहीं वहाँ नहीं, मगर आपको वो चीज दिखा, जी 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 बिल्कुल, ये पंखा लगा हुआ है, पंखा सिस्टम चल रहा है, जनरेटर लगे हैं, जनरेटर लगा हुआ है, और ये पूरा का पूरा वो है धुआं ऊपर जाता है, सिस्टम बनाया है, हेलो हेलो, चलते रहो चलते रहो, हाँ जी सर, चुकी है सारी आग, इसमें अभी भी टेम्परेचर है, आग है इसमें, अच्छा इसके नीचे, अच्छा वो कोयला भर रहे हैं क्या, कोयला नीचे डाल रहे हैं उसमें, ईंटों में कोयला भर रहे हैं, चीज वो वहाँ देख रहे हैं, जी 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 जी, वही चीज यहाँ नीचे सेम है, ओके, राखी से दबाया गया है, ओके, उसके बाद इसको कोयला डाल रहे हैं, कोयला डालते हैं, और फिर इसको पकाया जाता है, टेम्परेचर कितना होता होगा सर इसका, 900 डिग्री 1000 डिग्री, क्योंकि ये इसको 5 मिनट सरिये को अंदर कर दो तो उसको घाल देगा, अच्छा ये तो मिट्टी है, मिट्टी, तो ये सर बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा हीट होती है कि अगर हम सरिया को 5 मिनट अंदर घुसा देंगे तो वो गल जाएगा बिल्कुल, और काफी मेहनत के बाद ईंट बन पाती है, और ये देखिए यहाँ से धुआं निकलता है चिमनी से जो आपने देखा होगा अक्सर भट्ठे से, तो आ जाओ बेटा एक एक करके आओ, कुछ बच्चे जाएंगे बस, आगे पैर, लंबा कर पैर, चलो आ जाओ, एक एक करके निकलाओ, ये देखिए यहाँ पर जो है कोयला भरा जा रहा है, ठीक है ना, चलो सर, ये जो अंदर है ये ट्यूब्स है, नहीं नहीं ये कोयले ही डल रहा है, कुछ टूटने कोई राड़ नहीं है, मतलब तो कुछ ऐसा ही रहा है, ये तो जालीदार है, ईंट रखी है, हाँ ईंट रखी है, ईंट के ऊपर कोयला डलता है, ये जो है कच्ची वाली, ये ऐसे कोयला डलेगा तो छन के जाएगा इधर उधर से, फैल जाएगा ना, सबको बराबर मिलेगा, ये वाला पार्ट हमने कभी देखा ही नहीं था भट्टे का, जो आपने आज दिखा दिया, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, असली चीज है दिखाने की वही है, हाँ असल में तो यही है, हम तो दूर से देखते थे ईंटों का चट्टे लगे हुए हैं और भट्टे में जो है चिमनी में से धुआं निकल रहा है यही देखते थे, बट ईंट कैसे बनती है, कितनी मुश्किल से बनती है, आज इन भाई साहब ने बताया, थैंक यू सो मच, आपका नाम क्या है भाई साहब, दर्शन लाल सर,
दर्शनलाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चारों तरफ लेबर जो है यहाँ पर ईंटें बना रही है, कच्ची ईंटें बना रही है। कम से कम 10 एकड़ में काम चल रहा है। 10 एकड़ में ये बता रहे हैं कि काम चल रहा है। लेबर देखिए कैसे पहले कच्ची ईंटें तैयार करते हैं मिट्टी से, और कच्ची ईंटों को सुखाया जाता है 3 दिन के लिए। बाद में उनको रेड़ों में भरकर यहाँ पर लाया जाता है, जहाँ पर इनको यहाँ चट्ठे लगा के उनमें कोयला भर के पकाया जाता है। और काफ़ी हाई टेम्परेचर में, लगभग 900 से 1000 डिग्री का टेम्परेचर होता है। और इतने टेम्परेचर में, इतनी गर्मी में ये सब लोग काम करते हैं, हैट्स। और वाकई लेबर डे मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेबर की वजह से ही आज हम अच्छे घरों में रह पाते हैं, अच्छी चीज़ों का निर्माण हो पाता है। थैंक यू सो मच सभी जितने भी मजदूर भाई हैं, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यहाँ पर इनको स्पेशली हम थैंक्स कहने आए हैं, और इनके लिए कुछ बच्चों के लिए खाने पीने का लेके आए हैं। ये देखिए, हेलो बच्चों, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? शियान सैयद। और आपका क्या नाम है? अक्षर। आपका क्या क्या नाम है, जल्दी से नाम बताओ। नीलम। ये नीलम है, और नीलम के भाई है, बहन है, ये कौन है? हाँ, गौरी। आपका क्या नाम है? शिवानी। और आपका? सुमन। तो ये देखिए, ये प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी गर्मी में, धूप में, मिट्टी में काम कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। तो आज हम बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को ये दिखाने लाए थे कि भी लेबर कितनी मुश्किल से काम करती है, ताकि हम अच्छे अच्छे घरों में रह सकें। और कल मजदूर दिवस भी है, तो आप सबको मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अच्छा, तो ये पक्की ईंट निकालने के लिए बंगाल से आए हुए हैं। देखिए कहां कहां से आते हैं, बिहार से आए हुए हैं। देखिए बिहार, बंगाल, पूरे देश से यहां पर ईंटें निकालने आए हुए हैं, और साथ में प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। सीखा कुछ आप लोगों ने? Yes, sir! सबने? Yes, sir! जोर से बोलो! Yes, sir! हाँ जी बच्चों, मजा आया आपको? Yes, sir! सीखने को, सीखने को मिला कुछ? Yes, sir! मजा आया आप लोगों को? Yes, sir! कुछ सीखने को मिला? Yes, sir! क्या देखा आप लोगों ने? ईंटें कैसे बनती है, मजदूर इतनी गर्मी में कैसे काम करते हैं, है ना? और हम थोड़ी सी लाइट जाने पे कहते लाइट चली गई, गर्मी लग रही है, मिट्टी हो गई, ये वो, है ना? तो ये देखो मजदूर कितना अच्छा काम करते हैं हमारे लिए, है ना? तो जोर से बोलेंगे एक बार, हैप्पी लेबर्स डे। तो आज बच्चे देख के आए हैं लेबर डे पे ब्रिक क्लीन, ईंटों का भट्टा, और बच्चों को बहुत मजा आया, क्योंकि आज रोज तो ये स्कूल में आके पढ़ते थे, आज इनके लिए अलग था। कैसा मजा आया बेटे? है ना, मजा आया इनको। और अब ये जा रहे हैं घर। ये देखिए, आज बच्चे गए थे ब्रिक क्लीन देखने। लेबर डे पे आपके आसपास, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 1 मई मजदूर दिवस होता है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो 1 मई को आप सब लोग अपने आसपास मजदूर जो भी हो, उसको जरूर उसकी हेल्प कीजिए, या उसको थैंक यू बोलिए, उसको कुछ खाने के लिए दीजिए, उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आजकल सभी काम हो पाते हैं। आज बच्चों को बड़ा मजा आया, ये घूम गए हैं, और ये देखिए ये घूम गए हैं। और कैसे लगा आप लोगों को आज? क्योंकि आज पढ़ना नहीं पड़ा इनको, आज ये बाहर घूम गए हैं। गुड आफ्टरनून, आज इनको बड़ा मजा आया। मजा आया बच्चों? तो अभी जल्दी ही इनको और टूर भी कराएंगे, और बाहर जब जाते हैं स्कूल के बाहर घूम के आते हैं तो वो अलग ही मजा आता है। हमने भी बचपन में स्कूल टूर में बहुत इंजॉय किया, और आप लोगों ने भी किया होगा। लेकिन आज जो खास है कि कल मजदूर दिवस है, अपने आसपास जो भी मजदूर मिले उसको थैंक यू जरूर बोलिए, उनकी वजह से सारे काम हो पाते हैं। हैप्पी लेबर डे टू ऑल ऑफ यू।